जय शाह 1 दिसंबर को ग्रेग बार्कले से ये जिम्मेदारी मिली है। जय शाह ने आईसीसी का नया चेयरमैन चुने जाने के बाद दुनिया भर में क्रिकेट के मानकों को और ऊपर उठाने पर जोर दिया। अब देखना यह है कि बीसीसीआई को जल्द नया अध्यक्ष कौन मिलता है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत के जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुना गया है। 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव रहे जय शाह 1 दिसंबर को ग्रेग बार्कले से ये जिम्मेदारी लेंगे। 35 साल के जय शाह आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन होंगे। 62 वर्षीय न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले पिछले 4 साल से ये पद संभाल रहे थे, लेकिन बार्कले तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। जय शाह ने आईसीसी का नया चेयरमैन चुने जाने के बाद दुनिया भर में क्रिकेट के मानकों को और ऊपर उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं आईसीसी के सदस्य बोर्डों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आईसीसी चेयरमैन की इस प्रतिष्ठित भूमिका को संभालने के लिए मुझ पर अपना भरोसा जताया। मैं आपको विश्वास आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं दुनिया भर में इस खेल के मानक को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अब जय शाह को दुनिया भर में क्रिकेट को चलाने वाली संस्था का प्रमुख बनाया गया है, तो ये जानना भी दिलचस्प होगा कि बतौर चेयरमैन उनकी शक्तियां क्या होंगी, इसके अलावा उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और उनकी सैलरी कितनी मिलेगी। आईसीसी के चेयरमैन क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के शीर्ष अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पद साल 2014 में एक पुनर्गठन के रूप में स्थापित किया गया था। ये पद आईसीसी अध्यक्ष की पिछली भूमिका से ज्यादा परिभाषित कार्यकारी नेतृत्व की भूमिका में परिवर्तित होगा। चेयरमैन आईसीसी निदेशक मंडल का नेतृत्व करता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आईसीसी का प्रतिनिधित्व करता है। वे आईसीसी की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। चेयरमैन क्रिकेटर विश्व कप और T20 विश्व कप जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन की देखरेख करते हैं। वे खिलाड़ियों के आचरण और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों सहित क्रिकेट के प्रशासन से संबंधित नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चेयरमैन आईसीसी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। वो सभी सदस्य देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व स्तर पर खेल को बढ़ावा देता है। चेयरमैन के पास कई प्रमुख जिम्मेदारियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रशासन और राजनीतिक दिशा के लिए जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि आईसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है और सैलरी कितनी होती है। आईसीसी चेयरमैन के कार्यकाल की अवधि 2 साल की है। वो अपने पद पर अधिकतम 6 वर्ष तक ही रह सकता है। जहां तक सैलरी का सवाल है, तो ये ध्यान देने योग्य है कि आईसीसी चेयरमैन का पद मानद माना जाता है। इस प्रकार कोई विशिष्ट वेतन लागू नहीं होता। हालांकि आईसीसी की ह्यूमन रिसोर्सेज और पारिश्रमिक कमेटी चेयरमैन अन्य बोर्ड सदस्यों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में सिफारिशों करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि विशिष्ट आंकड़े सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए जाते हैं। चेयरमैन आईसीसी बोर्ड को सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, जिससे सुचारू चर्चा सुनिश्चित होती है और सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वे वैश्विक क्रिकेट समुदाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईसीसी बैठकों के लिए एजेंडा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। चेयरमैन आईसीसी की रणनीतिक दिशा का मार्गदर्शन करता है। वैश्विक स्तर पर क्रिकेट की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने के लिए मुख्य कार्यकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है। चेयरमैन वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों, आयोजनों, अन्य खेल संगठनों और हितधारकों के साथ बैठकों में आईसीसी का प्रतिनिधित्व करता है। आईसीसी के सार्वजनिक चेहरे के रूप में कार्य करते हुए अध्यक्ष संगठन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों और निर्णयों पर मीडिया को संबोधित करते हैं। चेयरमैन खेल और टूर्नामेंट प्रारूपों के नियमों सहित आईसीसी और उसके सदस्यों संघों को नियंत्रित करने वाली नीतियों को तैयार करने और अनुमोदित करने में शामिल है। संकट के समय जैसे कि विवाद या विवादों में चेयरमैन स्थिति को प्रतिबंधित करने और ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आईसीसी प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे। चेयरमैन आईसीसी के मुख्य कार्यकारी के साथ मिलकर काम भी करता है। वो कुशल संसाधन आवंटन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आईसीसी के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करते हैं। चेयरमैन विभिन्न आईसीसी सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करता है, जिससे क्रिकेट के वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और सहयोग की सुविधा मिल सकती है। अब आइए जानते हैं कौन बन सकता है आईसीसी का चेयरमैन। आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए एक उम्मीदवार को कुछ खास योग्यताएं पूरी करनी होती है और एक चयन प्रक्रिया का पालन करना होता है। उम्मीदवारों को आईसीसी के कम से कम एक पूर्ण सदस्य द्वारा नामित किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त क्रिकेट राष्ट्र से समर्थन प्राप्त है। उम्मीदवारों के लिए क्रिकेट प्रशासन में महत्वपूर्ण अनुभव होना आवश्यक है। यह अनुभव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संचालित करने की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को आमतौर पर आईसीसी के 12 पूर्ण सदस्यों में से चुना जाता है, जिसमें टेस्ट मैच खेलने वाले देश शामिल होते हैं। फाइनल सिलेक्शन आईसीसी बोर्ड द्वारा वोट के माध्यम से होता है, जिसमें सभी पूर्ण सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। चुनाव के लिए साधारण बहुत ही आवश्यकता होती है। आईसीसी के अनाउंसमेंट के बाद भारतीय सचिव
जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन घोषित किया गया। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीसीसीआई का अगला सचिव कौन होगा। आइए आपको बताते हैं पांच नामों के बारे में जो जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद अब बीसीसीआई के अगले सचिव बन सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वर्तमान में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और दिवंगत नेता अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली के बीसीसीआई के अगले सचिव बनने की खबरें काफी तेज हैं। दूसरा नाम देवजी सैकिया का, वे इतने फेमस नहीं है लेकिन उनको भी बीसीसीआई जय शाह के बाद सचिव की जिम्मेदारी सौंप सकती है। एक नाम आईपीएल से जुड़ा हुआ है, वो नाम अरुण धूमल का है। अरुण धूमल इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है, उनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है। चौथा नाम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राजनेता नेता आशीष सोला और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन आशीष सोलार भी अगले बीसीसीआई के सचिव बनने के रेस में हैं। उन्हें 17 जून 2015 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। पांचवा आखिरी नाम राजीव शुक्ला का है। राजीव शुक्ला राज्यसभा के सांसद हैं, वो इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हें जय शाह का करीबी माना जाता है, उनके पास अच्छा अनुभव है। इस रेस में राजीव शुक्ला का भी नाम शामिल है। अब देखना यह है कि बीसीसीआई को जल्द नया अध्यक्ष कौन मिलता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।